आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं निश्चित समाकलों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। चलिए डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अब उनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही आगे जो एक्सरसाइज दिया है उसके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज है उनको समझ लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं और फिर उनका प्रयोग हम लोग आगे एक्सरसाइज में करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर वन देखिए, यहाँ दिया है इंटीग्रेशन फंक्शन एफ एक्स का समाकल एक्स के रेस्पेक्ट में, लिमिट है यहाँ ए टू बी। यहाँ भी वही फंक्शन है, बस देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल में चेंज आया, यहाँ एक्स था तो हमने क्या दिखा दिया जेड और यहाँ डी जेड आ गया। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी से ये पता चल रहा है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है तो हम लोग वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके वैल्यू में, उसके समाकल में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है, या इसके बराबर होता है। चलिए इसको साबित करते हैं। हम लोग यहाँ एलएचएस लेते हैं, LHS में दिया है इंटीग्रेशन a टू b लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं x बराबर में z। चलिए अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका वन हो जाएगा और बराबर में डी जेड बटा में dx, तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर में डी जेड। अब देखिए इसके बाद वेन एक्स इक्वल टू ए, एक्स के इक्वल टू ए है तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड एक्स के बराबर है यानी कि ए। व्हेन लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना जी, एक्स इक्वल टू बी, एक्स का वैल्यू बी होगा तो जेड बराबर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए यहाँ लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आया चेंज करने पर भी, ए टू बी एफ एक्स की जगह हम लोग जेड रख देंगे और डी एक्स किसके बराबर है, डी जेड के बराबर। तो देखे ना यह इसके बराबर हो गया, यही ना हमें साबित करना था। तो इस प्रॉपर्टी में हमने यह सीखा कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया हो उसका समाकल ज्ञात करना हो तो वहां पे हम लोग वेरिएबल में चेंज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, समझ गया। प्रॉपर्टी नंबर टू देखिए, चलिए इसको भी हम लोग साबित करते हैं। यहाँ देखिए इसको समझ लीजिए, पहले फंक्शन एफ एक्स का समाकल है एक्स के रेस्पेक्ट में ए टू बी, यहाँ लिमिट है तो यह किसके बराबर हो जा रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी। तो इसमें देख क्या रहे हैं, यहाँ जो लिमिट है लिमिट में चेंज होने से साइन बदल जाएगा, लिमिट में चेंज करने से साइन बदल जाता है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है इसका समाकल जो है हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है। अब इसका एल एच एस लेते हैं और एक बार आर एच एस और उससे प्रूव करके दिखाते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स का समाकल हम लोग ऊपर कैपिटल एफ एक्स माने हैं, चलिए लिख देते हैं एफ एक्स ए टू बी, चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ बी और माइनस का एफ ए। अब यही काम करते हैं आर एच एस लेके दोबारा से, दिया है माइनस का बी टू ए इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही ना है। तो फंक्शन एफ एक्स का जो समाकल है, फंक्शन एफ एक्स का जो समाकल है वह क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस बार रहेगा वो रहेगा ही एफ एक्स बी टू ए, ठीक है बी टू ए, ये ऐसे हो जाएगा ना जी। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रखेंगे तो एफ ए और माइनस और एक फॉर्मूले में क्या माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा एफ बी, इसे सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो देखे ना दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन हो ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इस तरह से दिया हो तो इसे हम लोग माइनस बी टू ए यानी लिमिट में चेंज कर देंगे और फंक्शन वैसे ही रहेगा, बस खाली साइन बदल जाएगा। तो अगर लिमिट चेंज करते हैं तो फंक्शन में वह समाकल में चिन्ह बदल जाता है, ये हमें याद रखना होगा, समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे, चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। यहाँ देखिए दिया है इंटीग्रेशन है एफ एक्स का ए टू बी, यहाँ लिमिट है या इस किसके बराबर है, ए टू सी एफ एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ सी किसके बीच में, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टीज का यूज हम वैसे फंक्शन के लिए करते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है, या ऐसे फंक्शन के लिए यूज करते हैं जिसका अलग अलग इंटरवल पे फंक्शन में चेंज आते रहता है, ठीक है। तो मैंने बता रखा था ना कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका भी समाकल निकलता है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बोला था ना जी, निकलता है, कैसे निकलता है इसके बारे में बोला था मैंने कि आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी समाकल निकाल सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे फंक्शन के लिए करेंगे यूज करेंगे जिसके अलग अलग इंटरवल पे फंक्शन का वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको साबित करके देखते हैं। इसमें देखो करना क्या है,
यहाँ पे हम लोग दो ऐसे इंटरवल ले लिए, एक ले लिए ए टू सी और फिर एक ले लिए है सी टू बी, समझे ना। इस तरह से हम लोग इंटरवल ले लिए हैं और उस पे एक यहाँ पे देख रहे ना कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स का समाकल और इस इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स का समाकल, तो वही कह दिए हैं ए टू सी और फिर सी टू बी, और सी का है ए से बी के बीच में ही कोई वैल्यू है। कहने का मतलब मान लो कोई इंटरवल, मान लो किसी फंक्शन का लिमिट 2 से 5 कर दिया, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 से 3 फंक्शन का लिमिट और फिर यहाँ पे ले लेंगे 3 टू 5, तो देख रहे हैं ना 2 से 3, 3 से 5 और 3 जो है 2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए इसका यूज हम लोग जैसे करेंगे ना एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा, तो इसका क्या यूज है हम लोग एक्सरसाइज में ही देखेंगे अच्छे तरीके से। पहले अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है इसका समाकल जो है एफ एक्स है, ठीक है। अब LHS लो, LHS में है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही ना है जी। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, एफ एक्स और क्या है ए टू बी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं ए टू बी, पुट करोगे तो एफ बी माइनस में एफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो LHS रहा, अब RHS की बात करते हैं। ए टू सी एफ एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स, चलिए देखते हैं इसके लिए एफ एक्स इसका समाकल ऊपर मैंने माना है ना ए टू सी प्लस एफ एक्स सी टू बी, अब पुट करते हैं यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी, देखो तो यह कट जाएगा, आ गया ना एफ बी माइनस में एफ ए, आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ गया ना, ये दोनों इक्वल ही आ गया। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन दिया हो ए से बी फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से हम लोग इसमें इंटरवल अलग ले सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और सी क्या है तो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की ओर। चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, चार नंबर इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पे लिमिट दिया है एफ एक्स का समाकल किसके बाद होता है, तो यहाँ देखिए ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि ये दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के सम में से अंदर जो ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको घटा दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, तो यह इसके बराबर होता है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग RHS लेते हैं, ठीक है, RHS लेते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, सही ना दिया है। चलिए अब इससे हम लोग यह लेके आते हैं, चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर में टी। चलो इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे ये कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका माइनस वन बराबर में डी टी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से माइनस डी एक्स बराबर डी टी, यानी हम लोग डी एक्स बराबर माइनस का डी टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब चलिए लिमिट में भी देख लेते हैं, लिखते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू ए लोअर लिमिट, तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, देखो अगर मैं एक्स की जगह यहाँ ए रखूंगा तो ए से एक कट जाएगा, बी बचेगा ना। व्हेन एक्स इक्वल टू बी अपर लिमिट, तो t बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ b रखोगे b से b कट जाएगा a बचेगा, यानी लिमिट में चेंज आ गया। अब यहाँ से हो गया यह b टू a और यहाँ f t और dx के जगह क्या आ गया माइनस का dt, माइनस बाहर निकल सकता है, माइनस b टू a f t dt। जाहिर सी बात है हमने जो प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है, अगर मैं इसके लिमिट में चेंज कर दूं तो यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके अनुसार। एक और प्रॉपर्टीज पढ़ा था हम लोग इसके वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टी के जगह एक्स भी तो ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि इसमें क्या करना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर और उस फंक्शन में जो चर दिया है उसको घटाकर ये इस तरह से हम लोग इसके बराबर दिखा सकते हैं, समझ गए। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टीज बनता है, इसी से रिलेटेड क्या है, जीरो टू ए एफ एक्स दिया हो तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स।
हम लोग जो अभी पहले प्रॉपर्टी पढ़े हैं ऊपर वाला उसी के अनुसार इसको प्रूव कर सकते हैं। LHS लो, 0 to a fx दिया है, हम लोग क्या करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देना है, यानी 0 प्लस a और फिर माइनस का x करेंगे, ये ना करते हैं। चलिए तो 0 में a जोड़ेंगे तो यही आएगा, यानी 0 टू a यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 टू a, a यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन देखो छूट रहा था, f a माइनस x, a माइनस x dx, ठीक है ना, 0 में जुड़ेगा यही आएगा। तो इस तरह से हम लोग पिछले प्रॉपर्टी के आधार पर इसको प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, और ये भी ध्यान रखना कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में इसका करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टीज का सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ दिया है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लिमिट है और एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 होगा, कब, जब एन एफ एक्स जो है आपका एक विषम फलन हो, ऑड फंक्शन हो, यानी एफ माइनस एक्स जो हो माइनस एफ एक्स के बराबर हो। ऑड फंक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर उसका वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो इसे ऑड फंक्शन कहेंगे। और इवन फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो उसका पुनः वैल्यू एफ एक्स ही प्राप्त हो, तो उसे हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं, सम फलन कहते हैं। तो अगर वह विषम फलन हो रहा होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर वह सम फलन हो रहा होगा तो उसका वैल्यू जो होगा बराबर होगा 2 × ∫0 to a f(x) के, ठीक है। ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लिमिट है और फंक्शन है आपका एफ एक्स, इसका समाकल जो होता है 0 कब होता है, जब फंक्शन विषम हो, और इसका वैल्यू 2 × ∫0 to a f(x) dx कब होता है, जब वह सम फलन हो, इवन फंक्शन हो, समझ गए। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 शायद था, 3 ही था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, माइनस ए टू 0 एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना, ये प्रॉपर्टी नंबर जो हमने 3 पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टीज नंबर 3, उसके अनुसार मैं ऐसे लिख सकता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद मैं इसके लिए चलता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, ये तो ठीक है, मैं इसको लेके अब आगे सॉल्व करता हूं। मैं यहां पे पुट करता हूं, है ना, यहां पे पुट करता हूं एक्स के जगह पर, या माइनस एक्स के जगह पर टी, माइनस एक्स के जगह पर टी, चलिए समझ गए ना, या यूं कहिए या ऐसे भी कह सकते हैं कि टी माइनस टी पुट कर देते हैं एक्स के जगह पर, ये भी कह सकते हैं कि एक्स बराबर हम लोग यहाँ माइनस टी रख रहे हैं, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी एक्स बराबर में डी टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिमिट में भी चेंज करते हैं, यहाँ पर व्हेन एक्स बराबर में माइनस ए, लोअर लिमिट जो है माइनस ए रखेंगे एक्स का माइनस ए, तो टी का वैल्यू ए आ जाएगा, देख लो अगर एक्स का माइनस ए रखेंगे तो माइनस में प्लस टी का ए आ जाएगा ना, व्हेन एक्स बराबर में रख देंगे 0 तो टी बराबर में भी हो जाएगा 0। चलिए देखिए लिमिट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए टू 0, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ए टू 0 एफ एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का टी, माइनस का टी, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी, ठीक है, माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, माइनस का ए टू 0 एफ माइनस टी डी टी, ठीक है, माइनस है तो लिमिट चेंज हो जाएगा इसका, 0 टू a माइनस हट जाएगा, f माइनस टी डी टी। चलिए अब एक और काम कर सकते हैं, 0 टू a हम लोग वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं, f माइनस x, t के जगह मैंने x ले लिया और यहाँ पे लिख दूंगा डी एक्स। अब देखिए हमारा क्या हो जाता है, तो चूंकि हम लोग ऊपर देखे थे इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में मैंने लिखा था माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू अभी हमने यह निकाला, तो इसको हटाकर मैं यही लिख सकता हूं ना, चलिए लिख देता हूं यहां पर जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही ना है जी। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, चूंकि पहला केस था, केस फर्स्ट जो था ऑड, ऑड कह रहा था ना कि फंक्शन ऑड है ना, चूंकि कह रहा था फंक्शन कि एफ एक्स एक विषम फलन है। देखिए विषम फलन में क्या होता है, तो विषम फलन में एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, अर्थात यह लिख सकते हैं अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर है माइनस के एफ एक्स। तो इसलिए यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में, देखो यहाँ पे एफ माइनस एक्स जगह मैं माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस एफ एक्स जीरो टू ए, यहाँ माइनस एफ एक्स हो गया, माइनस बाहर मैंने निकाल दिया डी एक्स, मैंने एफ माइनस एक्स जगह माइनस का एफ एक्स रख दिया जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, तो ये आपका जीरो आ गया, तो यही ना मैं प्रूव करना था। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा केस देखिए, केस टू वाला कि एफ एक्स एक सम फलन है इवेन फंक्शन है, तो इवेन फंक्शन है यानी कि अर्थात लिख सकते हैं अर्थात एफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर हो, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में हो जाएगा जीरो टू ए, देखो यहाँ पे एफ माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये देखो दोनों सेम है, तो टू हो जाएगा ना, टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही ना मैं प्रूफ करना था, तो मैंने दोनों दिखा दिया, दोनों प्रूफ करके दिखा दिया कि जब ऑड होगा तब क्या होगा और जब इवन होगा तब क्या होगा। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर सिक्स देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जीरो टू टू ए लिमिट है एफ एक्स फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे देखते रहे जीरो टू ए एफ एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स या इसके बराबर होता है। चलिए हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं फिर बाद में ये दो नंबर की बात करते हैं, ठीक है। मैं देखिए पहले वाले का LHS लेता हूँ, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू ए जीरो टू टू ए एफ एक्स, यही ना दिया है। मैं प्रॉपर्टी जो थर्ड था वो लगाता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और फिर ले लेता हूँ प्लस ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं इस दूसरे वाले समाकलन के लिए सेकंड समाकलन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर t बराबर में मान लेता हूँ 2a माइनस एक्स, t बराबर में मान लेता हूँ 2a माइनस एक्स, समझ गया ना, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये मान लेता हूँ और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ जाएगा डी टी बटा में डी एक्स बराबर में माइनस का होने, तो कॉन्स्टेंट है यानी कि यहाँ डी टी बराबर में आ जाएगा माइनस का डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर में आ जाएगा माइनस का डी टी। चलिए अब थोड़ा लिमिट में, तो मैं लिमिट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वेन सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम लोग, सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं, वेन एक्स बराबर में ए, एक्स बराबर ए दिया है, तो अगर एक्स की जगह यहाँ ए रखोगे तो टी भी ए आ जाएगा, टी बराबर में ए आ जाएगा। अच्छा वेन x इक्वल टू में 2a अपर लिमिट, यह 2a ले लेते हैं, तो यहाँ 2a रखेंगे तो t बराबर में 0 आ जाएगा, t बराबर में 0 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ बराबर में हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, पहले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, प्लस यहाँ लिमिट चेंज होगा, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा a के जगह पे a, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है 0, f फंक्शन f है। अच्छा यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो x को इधर लाओ, t को उधर, 2a माइनस t हो जाएगा, 2a माइनस t हो जाएगा, और dx जो है माइनस dt के बराबर है, माइनस dt के बराबर है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं,
जीरो टू ए एफ, जीरो टू टू ए है एफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ ये माइनस की, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। या एक काम करता हूँ प्लस ही रहने देता हूँ, ये माइनस हटाने के लिए लिमिट चेंज कर देता हूँ, जीरो टू ए एफ टू ए माइनस टी डी टी। तो मैं यहाँ वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ ना आसानी से, तो यहाँ पे हम लोग टी की जगह एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ बराबर हो जाएगा जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, किसके बराबर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस, मैं वेरिएबल में चेंज करता हूँ डी एक्स, यहाँ भी आ जाएगा एक्स, यहाँ भी आ जाएगा, समझ गया ना, मैंने वेरिएबल में चेंज कर, तो यही तो हमें प्रूव करना था। और अब इसी के हेल्प से हम लोग अगला जो सेकंड वाला था इसमें उसको प्रूव करते हैं। अब इस रूल में आपने क्या देखा, अगर जीरो टू टू ए आपका लिमिट दिया गया होगा और कोई फंक्शन होगा तो उसको जीरो टू ए एफ एक्स और फिर जीरो टू ए ही लिमिट रहेगा और एफ ये जो अपर लिमिट होगा उसमें से एक्स घटाकर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। चलिए अब इसी के आधार पर दूसरे वाले को प्रूव करते हैं। चलिए अब देखिए सेकंड में क्या करा, यही है, यही है, देख रहे हैं ना यहाँ पे जो है वही चीज यहाँ पे भी है, एफ एक्स है जीरो टू टू ए इसका लिमिट है, तो यह किसके बराबर रह रहा है टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स, कब जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। पहले वाले में देखिए इसके एफ टू ए माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर है, तो आप पहले वाला प्रॉपर्टी तो प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं जीरो टू टू ए एफ एक्स का जो समाकल होगा, हम लोग ये वाला लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ टू ए माइनस एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो इसको हटा के मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये एफ एक्स के बराबर है डी एक्स, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टू जीरो टू ए जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यही ना। तो ये प्रूफ हो गया, देख रहे ना, यही प्रूफ करना था। और सेकंड वाले को देखिए, इसका सेकंड वाले में कि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, तब चूंकि आपका दिया है कि एफ टू ए माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी के अनुसार जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए, इसके जगह पर क्या आ जाएगा तो माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, देख लो ऐसे लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ से ये हमारा जीरो के बराबर हो। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर सेवन, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए प्लस सी टू बी प्लस सी। देखिए इसमें सी एक ऐड हो जा रहा है, कोई कांस्टेंट कांस्टेंट लोअर लिमिट में भी और अपर लिमिट दोनों में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन में यहाँ एक्स के जगह एक्स माइनस सी ले जाना होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, तो हम लोग इसके आर एच एस को लेते हैं, है ना, आर एच एस ही बनाएंगे, ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ एक्स माइनस सी डी एक्स। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एक्स माइनस सी को, यहाँ पर टी पुट करता हूँ और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका वन बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स बराबर में क्या जाएगा डी टी, ठीक है। डी एक्स किसके बराबर में हो जाएगा, डी टी के बराबर में हो जाएगा, वेन एक्स बराबर में ए प्लस सी, ए प्लस सी एक्स का लोअर लिमिट ही ना, तो एक्स की जगह ए प्लस सी रखेंगे तो सी से सी कट जाएगा, t बराबर में a आ जाएगा, when x बराबर में b प्लस सी अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा t बराबर में, जब b प्लस यहाँ c रखेंगे c से c कट जाएगा, t बराबर में b आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे लिमिट में चेंज आ गया, a टू b हो गया और यह f t dt हो गया, तो यहाँ मैं फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ ना आसानी से, कर सकते हैं a टू b f x dx हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉपर्टीज वन के आधार पर हम लोग इसको वेरिएबल में चेंज कर दिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर एट, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका समाकल जो होता है बराबर इसके हो जाएगा वन बाई सी
इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ए सी टू बी सी, याद रखना ना, सी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में मल्टीप्लाई किया है, तो फंक्शन में क्या हो जा रहा है, एक्स में सी से डिवाइड हो जा रहा है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें भी हम लोग आर एच एस लेते हैं, पिछले वाले की तरह ही बनेगा, 1/c इंटीग्रेशन ए सी टू बी सी एफ एक्स बाई सी डी एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसमें पुट करते हैं एक्स बाई सी को टी, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे इसका 1/c हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स बराबर में आ जाएगा सी डी टी, सी उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/c, अच्छा लिमिट में भी तो चेंज करना होगा ना, लिमिट तो हमने चेंज ही नहीं किया। चलिए देखते हैं, वेन एक्स बराबर में ए सी, एक्स की जगह ए सी आएगा, तो अगर मैं ए सी रख लूँ तो सी से सी कट जाएगा, टी बराबर में ए हो जाएगा। वेन एक्स बराबर में बी सी, तो टी बराबर में, या एक्स की जगह जब बी सी रखेंगे तो सी से सी कट जाएगा, टी बराबर बी आ जाएगा, यानी लिमिट आ जाएगा ए टू बी एफ टी, और यहाँ डी एक्स की जगह आ जाएगा सी डी टी, तो सी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1/c इंटू सी, और आपका है ए टू बी एफ टी डी टी, तो यहाँ सी से सी कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग टी जो है प्रॉपर्टीज फर्स्ट के अनुसार वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ हम लोग इसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट के अनुसार यह हो गया, समझ गए। चलिए ये एक और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 9, ये जो है इसको भी देख लेते हैं। यदि एक एफ एक्स फंक्शन है जो टी आवर्त काल वाला एक आवर्ती फलन है, यानी कि टी इंटरवल के बाद या चेंज हो जा रहा है फिर से उसी फंक्शन में, अर्थात कि एफ टी प्लस एक्स बराबर में एफ एक्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एफ टू टी प्लस एक्स बराबर भी एफ एक्स के बराबर ही होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन का यही फंडा होता है, एफ थ्री टी प्लस एक्स बराबर में एफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह से एफ फोर टी प्लस एक्स बराबर में एफ एक्स, मैंने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में क्लास 11 में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था। चलिए तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसके कारण ऐसे इसमें चेंज आ रहा है, यानी कि टी आवर्त काल के बाद वह फंक्शन का वैल्यू फिर से वही आ जा रहा है, टी आवर्त काल बढ़ने पे इस तरह से फंक्शन का वैल्यू वही आ रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर इंटीग्रेशन करना हो एफ एक्स का, लिमिट है 0 to n t, तो वह बराबर हो जाएगा n into 0 to t एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, तो इसके लिए मैं इसका LHS लेता हूं, 0 to n t एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसे चाहूं तो आप इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड था उसके अनुसार 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस टी से 2 t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 t से 3 t एफ एक्स डी एक्स प्लस कहां से, ऐसे ही चल जाएगा, और भी टर्म होंगे समझ लो, अंतिम टर्म कहां तक जाएगा, एन माइनस 1 इंटू टी से एन टी तक एफ एक्स डी, समझ गया ना, ये टर्म्स आपके सारे होंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के अनुसार ये सब 2t, 3t, nt और t के बीच में ही लाई करेंगे, आपको पता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ अलग अलग इंटरवल पे ये फंक्शन को इस तरह से दर्शा दिया। अच्छा, एक मैंने जो अभी आपको प्रॉपर्टी बताया था, आप देखे थे कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो था, यहाँ पे इंटीग्रेशन a प्लस सी, तो अगर मैं यहाँ माइनस सी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप घटा भी तो सकते हैं, यहाँ b माइनस सी, तो एफ एक्स प्लस सी डी एक्स के बराबर हो जाएगा, याद है ना, मैंने अभी बताया था, अगर यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस था तो यहाँ माइनस था, तो अगर यहाँ दोनों जगह माइनस दे दिया, मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों से सी घटाया, तो यहाँ फंक्शन में यह जुड़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको तो यही छोड़ देता हूँ, 0 to t एफ एक्स डी एक्स, यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से टी घटाता हूँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से, तो टी घटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा और यहाँ टी आ जाएगा, जब टी उसमें घटाए तो यहाँ फंक्शन में अंदर वेरिएबल के साथ टी जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा, समझ गए ना, फिर प्लस यहाँ पे 2t लोअर लिमिट और अपर लिमिट में घटाता हूँ तो यह 0 हो जाएगा और यह टी आ जाएगा, और यहाँ फंक्शन में वेरिएबल के साथ 2t ऐड होगा क्योंकि मैंने 2t घटाया है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ से मैं घटाता हूँ
इसमें घटाता हूँ एन माइनस वन इंटू टी, तो यहाँ जीरो आ जाएगा और ऊपर आपका टी आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू टी, समझ गए ना, और यहाँ पे डी एक्स। तो चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो देखो इसका वैल्यू जो है हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं एफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू टी, या पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण यहाँ भी एफ एक्स ही आएगा, अभी मैंने बताया था ऊपर आपको, यहाँ भी आपका एफ एक्स ही हो जाएगा जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे ही यह क्या तक चल जाएगा एन टाइम्स होगा, ये एन तक एन टाइम्स ही होगा, तो एन टाइम्स है तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना एन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये भी मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया, तो यही प्रॉपर्टीज है और इन्हीं के आधार पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा है आपका रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और यहां से सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे ही सर्च करना है।